गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन कविता जिसका नाम है पांच छोटी चिड़िया। पांच छोटी चिड़िया खेल रही थी, नाच रही थी। पांच छोटी चिड़िया खा रही थी अनार, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई चार। चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई तीन। तीन छोटी चिड़िया धूप में रही थी सो, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई दो। दो छोटी चिड़िया खा रही थी केक, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई एक। एक छोटी चिड़िया रह गई अकेली, फुट से उड़ी जाके ढूंढी एक सहेली। ठीक है, ये पांच छोटी चिड़िया की कविता है और इसमें काउंट ऑन रिवर्स काउंटिंग जैसा हो रहा है कि पांच से चार, चार से तीन, तीन से दो, दो से एक। ठीक है, फिर से करते हैं। पांच छोटी चिड़िया खेल रही थी, नाच रही थी। पांच छोटी चिड़िया खा रही थी अनार, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई चार। चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई तीन। तीन छोटी चिड़िया धूप में रही थी सो, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई दो। दो छोटी चिड़िया खा रही थी केक, एक फुट से उड़ गई, बाकी रह गई एक। एक छोटी चिड़िया रह गई अकेली, फुर से उड़ी जाके ढूंढी एक सहेली। ये कविता आपको मैंने भेज दिया है, आपको इसको सीखना है। अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चिंटू और बेर वाला। चिंटू बहुत चतुर एवं निडर लड़का था। एक बार उसने बेर वाले से बेर खरीदे। बेर वाले ने उसे वजन में कम बेर दिए। चिंटू बेर वाले की चालाकी देख रहा था। उसने तुरंत बेर वाले से पूछा, तुम मुझे कम बेर क्यों दे रहे हो? बेर वाले ने मक्कारी से कहा, तुम्हें ले जाने के लिए आसानी हो इसलिए। चिंटू ने झटपट कुछ पैसे बेर वाले की हथेली पर रख के और वहां से वह जल्दी जल्दी जाने लगा। बेर वाले ने पैसे गिने, पैसे कम थे। उसने चिंटू को वापस बुलाकर कहा, तुमने मुझे पैसे कम पैसे क्यों दिए? चिंटू ने फौरन कहा, इसलिए कि तुम्हें गिनने में आसानी हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, चलाक चलाक के साथ चलाकी नहीं चलती। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चलाक के साथ चलाकी नहीं चलती। ये स्टोरी भी मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आपको इसको सीखना है। तो इस कहानी का नाम क्या है पहले बताइए। हाँ, चिंटू और बेर वाला। बेर वाले बेर बेचने वाले को हम बोलते हैं बेर वाले। और चिंटू एक छोटा सा लड़का है जो चतुर और निडर था। उसने बेर वाले से क्या खरीदा? हाँ, बेर। और बेर वाले ने क्या किया? बेर वाले ने चिंटू को कम बेर दिए थे। ये बच्चा देख रहा था, चिंटू देख रहा था। तो चिंटू पूछा बेर वाले से, आप क्यों मुझे कम दे रहे हो बेर? तो उसने बोला, आपको ले जाने में आसानी हो इसलिए मैं कम बेर दिया। तो चिंटू बहुत समझदारी से क्या करता है, जल्दी जल्दी पैसे उसके हथेली पे बेर वाले के हाथ में देख के निकल जाता है। बेर वाला उस पैसे को गिनता है, तो गिनने से उसको क्या पता चलता है कि कम है पैसे। तो तुरंत वो क्या करता है, चिंटू को वापस बुलाता है और पूछता है कि तुमने मुझे कम पैसे क्यों दिए? तो चिंटू ने फौरन बोला, क्या बोला? कि आपको गिनने में आसानी हो इसीलिए मैंने कम पैसे दिए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है कि चालाक के साथ चालाकी नहीं कर सकते, नहीं चलती। तो ये कहानी समझ में आ गया ना? तो हम अभी थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है,
से बोलिए अमरूद, अनानास, अजगर, उसके अलावा हमारे पास अनार भी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर क्या है स्वर में, बड़े आ से आम, आलू, आकाश। छोटी से क्या होती है, इमली, इलायची, इडली। बड़ी से क्या होती है, ईद, ईक और नेक्स्ट छोटे उसे उपहार, उपवन, उल्लू। बड़े उसे ऊन। फिर इसके बाद री से ऋषि। ऋषि के बाद ए से एडी, एक तारा, एक। इसके अगला क्या है अक्षर, आई से ऐनक, आयलान। इसके बाद क्या आएगा बताओ, ए के बाद, आई के बाद ओ। ओ से ओकली, ओढ़नी, ओस। उसके बाद आओ। आओ से औषधि, औजार, औरत। अंग से अंगूर, अंडा, अंग। आहा खाली, क्या है आहा खाली। अगले बार हम लोग, अभी आप लोग इस वाले पेज में जाओगे तो हम देखिए, ध्यान से देखो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ना खाली, च से चम्मच, छ से छाता, से जहाज, झ से झंडा, ना खाली, ट से टमाटर, ट से टटेरा, ठेला, ढ से डमरू, ढ से डपली, ना खाली, त से थरमस, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। ठीक है, यहाँ तक आज हम सीखेंगे। फिर से क से कबूतर, क से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ना खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, झ से जहाज, झ से झंडा, ना खाली, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से ढमरू, ढ से डफली, ना खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, ना से नल। ये सिर्फ ओरल्स के लिए, आपको पढ़ना आना चाहिए और पहचानना भी है। अभी हम कॉपी में जो काम है ये है कि पहला अक्षर लिखो। आज का डेट है 2/2/21। इसको देख के आप पहचानिए ये कौन सा अक्षर का पहला अक्षर क्या है। ये है ए से एडी और ये बड़ी ऊ से ऊन। ये बताइए, हाँ, अंग से अंगूर और ये ओ से ओखली। आपको पहचानना होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपको रोज बुक पढ़ना होगा, आधारिका बुक में जो चित्र है सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।